एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. क्या दे रखा है? कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. यानी कि अगर उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें उसके डिनोमिनेटर में 1, तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है. तो अगर इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते तो वो कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है. तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? कहने का मतलब है कि एक फ्रैक्शन है, तो पहले वो लेट कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक फ्रैक्शन है. अब क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तो एक्स अपॉन वाई है. तो कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन सा? ये ऊपर वाला, इसमें कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है, ठीक है. एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है. फिर सेकंड क्या कह रहा है? इट बिकम 1/2, वो कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. यानी कि केवल डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दे, केवल 1 ऐड कर देते तो ये कितना हो जाता है? 1/2. अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में बनाएंगे और फिर एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से किसी से भी सॉल्व कर लेंगे. तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? वाई माइनस 1 इधर दे रखा है, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई माइनस 1, सॉरी एक्स प्लस 1, ठीक है. अब क्या हो जाएगा? और इसको सॉल्व करोगे आगे तो y को इधर लेते जाओ, 1 को इधर लेते जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई, क्योंकि इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 और माइनस 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2. तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2. सेकेंड वाले से देखेंगे, सेकेंड वाला ये है, तो नीचे वाला ये किधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x, 2 का x में करेंगे तो 2x, और ये क्या है तुम्हारा? डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज होता नहीं है. अब y को इधर लेते आओ, यानी ये बनेगा 2x माइनस y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है. एलिमिनेशन से करते हैं, तो एलिमिनेशन से अगर करेंगे तो क्या दे रखा है? पहला वाला x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, और सेकेंड वाला ये बना था 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. अब इसमें y वाला टर्म एक जैसा है, बस साइन चेंज है, तो क्या लिखेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन, क्यों ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख रहे हैं? ये तो पता है क्योंकि साइन एक जैसा है, तो सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस. ये y वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. 2x में से x को माइनस करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, क्योंकि हमेशा बड़े वाले में से अगर छोटे को माइनस करते तो बड़े का साइन लगता है, तो माइनस x हो जाएगा इक्वल टू, ये दोनों माइनस में है ऐड हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा माइनस 3, ठीक है. दोनों साइड माइनस है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, इस तरीके से. तो लिखोगे स्टेटमेंट क्या? पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो x के जगह पे 3 रख दो, तो ये 3 माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2. अब 3 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 और माइनस 3, माइनस y इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा? माइनस 5. ये माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि वो फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है. तो वो फ्रैक्शन क्या था? x अपॉन y था ना, तो x की वैल्यू कितना दे रखा है? 3, y की वैल्यू कितना दे रखा है? 5, यानी 3/5 वो फ्रैक्शन होगा. तो ऐसे क्वेश्चन को स्टेटमेंट दे रखा है, तो स्टेटमेंट को पहले इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं.